भैया और राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। जल लाइव प्रस्तुति है सागर रोड से, गजराज पैलेस से। गजराज पैलेस में आज सागर रोड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह जी द्वारा होली उत्सव मिलन समारोह को आयोजन करो जा रहे हैं। होली मिलवे को जो समय और सभी जानन से यही बहाने बातें हो जाती, सभी जानन के एक दूसरे के हाल चाल ले ले जाए, तो भैया एक बहानों होते सिर्फ कि चलो आज होली मिलन हो रहो, आज दशहरा मिलन हो रहो, जो होते बहाना सभी जनन से मिलवे को ऐसे टाइम पे सभी जने मिल जाते हैं। तो जो है भैया सीधी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से, हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का सब दृश्य दिखवा रहे हैं। पत्रकार सभी जने इकट्ठे हो गए भैया, और इतने के कर्ता धर्ता हमारे अभिषेक सिंह जी जा रहे हैं, देख लो भैया बुंदेलखंड वाला और पुलिस वाला, इन्हें जो कुछ भी कहें वो कम है। तो जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी जने, हाँ भैया लाइव रंग लगा दिया है, देखो भैया दो जनन की हमारी होली की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभिषेक सिंह जी हैं भैया बुंदेलखंड वाला, चैनल जानत हो आप लोग, देखा हो, बहुत अच्छे बोलत है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। जो समारोह भैया बहुत अच्छे ढंग से मनाओ जा रहे हैं। दाऊ साहब कहते हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, इन्हें आयोजन रखो है भैया, और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह जी भी पधार गई हैं। सभी जने लगभग आ चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देखो जा सकते हैं कि सभी जितने पत्रकार हैं भैया, पत्रकारन को हुजूम पूरो को पूरो है, कोनो पत्रकार थे बाकी रही हैं, सब जने एक दूसरे के हम मिलकर गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। देखो ये कार्यक्रम की लाइव प्रस्तुति को मजा लो सभी जने भैया। हेलो भाई, क्या होता बोलिए। अच्छी
इंटरेस्टेड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो जहाँ बैठा है वो बैठा रहे। युवा वर्ग से बुजुर्ग की एक हमें लग रहा है अंताक्षरी हो सकती है, इमरान तुम्हें लग रहा है। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी, ये कि सुमित तोमर जी का नाम, और पहले की टीम किस टॉपिक पे गाना शुरू करें मुझे बताओ। भारी भरकम गाना गाया बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी की तरह, और एक काम करते हैं होली को विचार विमर्श शुरू करते हैं। स्पॉन्सर्ड है ये लोग, तो होली पर सबसे पहले विचार विमर्श शुरू करना शुरू करते हैं कि क्या होना चाहिए और पहले क्या क्या होता था जो अब हम लोग मिस करते हैं। जैसे पहले खजा वाली होती थी, अभी मिस करते हैं। सबसे पहले रणधीर जी के विचार हम जानना चाहेंगे कि क्या होली पे होना चाहिए और वाकई में क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे हम लोग मिलजुल करके ऐसी होली का आनंद लें। खजे वाली होली जो होती थी वो दो तीन दिन पहले, हालांकि हमने नहीं खेली, अभी भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कलर वाली होली हो, और होली से भरपूर सबसे इम्पोर्टेंट खास बात ये है कि ये जो होली है ये रंगों का त्यौहार है, और होली पे ही ये रंग ना हो, ये साल भर से रंग हो, कभी किसी के मन में किसी के खिलाफ कोई बातचीत आए वो मन में ना आए, बाहर हो, यही होली का त्यौहार है, यही मेरा कहना है। अब इस तरफ से भी हम एक जन को माइक देंगे, और पंजाब में होली कैसे खेली जाती, हालांकि ये कभी पंजाब गए नहीं, शादी बस में गए थे और जल्दी भागा वहां से, तो आप बताइए। हमारे बीच राजू सरदार जी जो थे स्वर्गीय हमारे मित्र, उनके छोटे भाई हैं, उनकी कमी को पूरा करते हुए, तो उनकी तरफ से ही आप दो शब्द जरूर आए, क्योंकि हम लोग काफी इंजॉय किया करते थे। सभी सारे होली दी लख लख बधाई। हमारे लोकेश चौरसिया जी है, और होली पर इन्होंने बचपन में क्या क्या गुप्त कार्य किए हैं वो बताएंगे, जैसे भांग पी के मोटरसाइकिल पे बनियान फाड़ के घूमना। देखो होली पे तो गुड्डू भैया ने एक बार कार्यक्रम किया था, जब जरूर कपड़े फाड़ होली थी तो काफी एंजॉय किया था, आज से करीब 6 या 7 साल पहले की बात है। होली के बुंदेलखंड में वही होली चाहिए जो अपनी परंपरा है, जैसे पहले देखा करते थे काफी अच्छी होली थी, और लेकिन अब थोड़ा सा रंग फीका होने लगा है, लेकिन एक बार फिर से वही होली होनी चाहिए जो अपनी परंपरा कहती है, बुंदेलखंड में जिस तरीके से होली खेली जाती है। उम्मीद है कि शायद गुड्डू भैया फिर से शुरू कराएंगे और परंपरा अगले साल से देखने को मिलेगी। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्कर प्रताप सिंह बड़े भैया, भाभी जी, सभी को एवं समस्त पत्रकार बंधुओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब व्यक्ति जागरूक है कि होली कैसे मनाना है। पहले होता था कि किसी ने खचा होली बोलते थे उसको, किस गिलारे की होली, कहीं गोबर की होली। अब व्यक्ति समझदार है, ये सब होलियों पर नहीं पड़ता, गुलाल की होली चलती है। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि पानी का दुरुपयोग ना हो, लोग गुलाल से होली खेलें, तो वही परम्परा लगातार जारी है। तो भैया अब इस समारोह की हम प्रस्तुति आप लोगों का लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दिखवा रहे हैं, और जो मुख्य आयोजन करता है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, उनसे हम जानकारी ले भी और उनसे वे बताएं कि आज के कार्यक्रम के बारे में। तो ये हैं भैया पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी गुड्डू भैया। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी जनन खा, पूरे परिवार खा। आज को जो आयोजन रखो है आपने, इमक का संदेश दो हो आप समाज के लाने को अपने आज अपने चाहिए बात। आज इतने पे जो पत्रकारन के बीच में होली मिलन समारोह हमारे ने रखो है, एक अपने जिला में पत्रकारन के साथ भी ऐसी एक कार्यक्रम चालू हो,
जहां मरण की एक हमेशा कोशिश रात के कछु न कछु नौ ऐसो करें और अब जो आयोजन पहली बार रहते पे चालू हो सब अपने अपने विचार साझा कर रहे। निश्चित रूप से जो होली को त्यौहार है जो उमंग और उत्साह को त्यौहार है और सब जने ई त्यौहार खाएँ ऐसे मनाऊत हैं जैसे जितनी देर जो त्यौहार चलत है चार पाँच दिन के की के जी जो आपस में जो उनके द्वेष हैं वे दूर हो गए जो बहुत बढ़िया देखो सब टाइम देखो जी जी उनके आपस आपस के द्वेष दूर होते और एक रंग का जो माहौल उत्साह को माहौल समाज में बना तो उसे एक अच्छा एक माहौल बने समाज में। ये होली को जो उद्देश्य रात को और समाज में जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे संत महात्मा हैं निश्चित रूप से उनने जो जीवन में संदेश दाव है और आज के युग में हम देख रहे हैं कि होली की थोड़ी सी समाज में कई तत्व भी ऐसे सक्रिय हो गए जी में होली में उनने की पानी न बर्बाद करो जो ना हमारन को जो उद्देश्य है कि और या अपने फार्म हाउस पे चले गए और होते हैं मतलब तो हम सबकी जा उपस्थित रही कोशिश कि अपन सब मिले और जो त्यौहार जितनों लोगों के बीच में मना पाए अपन उतनों जो त्यौहार मनाए कैसे जो त्यौहार जो है आनंद और उत्साह का त्यौहार है यही भाव से मनाओ जाओ चाहिए। आप सबके चैनल के माध्यम से हम सब हम बहुत शुभकामनाएं दें जो होली की बहुत जो है और तो भैया देखो जी हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हमने आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखा है होली मिलन समारोह हो रहा है अब जा लाइव प्रस्तुति हम इतना पे समाप्त कर रहे हैं फिर कोनो खबर लेके हम आप लोगों के बीच में हाजिर होगी तब तक के लाने सब जन हमारी राम राम।